फाइनली पता चल गया कभी ईद कभी दिवाली किस फिल्म का रीमेक बनने वाली है। नमस्कार, स्वागत करता है राहुल भोज आप सभी लोगों का आप लोगों के फेवरेट चैनल में। आ गया हूं आप लोगों को ये बहुत बड़ी बात बॉलीवुड हंगामा की बताने के लिए। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, तो भाईजान सलमान खान ने हम सभी को चौंका दिया जब हम लोगों ने देखा कि भाई एक फिल्म कर रहे हैं जिसे फरहाद सामजी डायरेक्ट करेंगे। फिल्म का नाम होगा कभी ईद कभी दिवाली और ये ईद 2021 में सिनेमाघरों के अंदर दस्तक देगी। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक बात सोच रहे थे कि यार ये किस फिल्म की ओरिजिनल फिल्म होगी या किसी फिल्म का रीमेक होगी। फाइनली दोस्तों एक बहुत बड़ी बात आई है सामने, बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि कभी ईद कभी दिवाली अकॉर्डिंग टू सोर्सेस फिल्म वीरम का हिंदी रीमेक होगी। जी हाँ, 2014 में अजीत कुमार जी की फिल्म आती है वीरम, बहुत ही ज्यादा अच्छी फिल्म थी दोस्तों। तमन्ना भाटिया भी हैं इस फिल्म के अंदर और इसके अंदर एक्शन था जबरदस्त, एकदम वन लाइनर कैची डायलॉग्स थे, स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्रिटिक्स ने भी इसे अप्रिशिएट किया है। तो ऐसे में दोस्तों अब यही फिल्म आज की मॉडर्न सिनेरियो को देखकर और साथ ही साथ सलमान भाई की इमेज को देखकर पैन इंडिया जो है डिमांड उनकी देखकर और टाइटल कभी कभी दिवाली के साथ जस्टिस करके इस फिल्म को डेवलप किया जा रहा है और ये फिल्म दोस्तों जो है सिनेमाघरों में ईद 2021 में रिलीज होगी। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह। सो फाइनली आप लोगों को पता चल गया होगा कि कभी ईद कभी दिवाली किस फिल्म का हिंदी वर्जन होने वाली है। आप लोगों को क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बट इसी बात पर है ना, मुझे एक बात सोचने को आई कि यार काश ओरिजिनल स्क्रिप्ट होती तो कुछ ज्यादा ही मजा नहीं आता। आपको क्या लगता है? हां, कमेंट सेक्शन में बोल डालो। बने रहो चैनल के साथ, चलता हूं।